हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और भाई, आपके लिए जल्दी एक मोटिवेशन सेशन लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आप कंटिन्यूटी कैसे बनाएं, कैसे आप कैसे चीज़ों को पढ़ें, कैसे याद रखें लंबे टाइम तक, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मे बी कल या फिर परसों, तो कन्फर्म है कल या परसों आपके लिए एक मोटिवेशन सेशन होने वाला है, ठीक है? तो चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ड्रीम ऑफ केमिस्ट्री बाय रमेश कुमार, गुड आफ्टरनून। अरे वाह रमेश कुमार, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून अंकिता, वेलकम। तो चलिए भाई, तो कार्बोक्टाइन की बेसिकली लास्ट क्लास है हमारी, और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और जो लास्ट कंसेप्ट रहते हैं वो भी करवाऊंगा। तो पहले तो गुड आफ्टरनून अगेन आपको, और चलिए डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो कार्बोक्टाइन में हमने बात की थी, वो सेमी पिनाकोल टाइप की ही अरेंज जो रिएक्शंस थी, उन्हीं का डिस्कशन हमने किया था। और उसके बाद जो बात बताने की है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको एक बार मैं इसको ठीक कर लूँ, आपको बीच में लग रहा होगा कि ऐसे आ रहा है यहाँ पे, इसको सॉरी इसको नहीं, इसको, अरे यार है ना, आज कुछ क्लियरिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? कुछ है ना, आज शायद पहले से आपको थोड़ा सा अच्छा सुनाई दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? तो अब ये हो गया सेट आपका। चलिए, तो कार्बोक्टाइन की लास्ट क्लास है हमारी बेसिकली। इसके बाद एक क्विज सेशन रखेंगे, है ना, लाइव क्विज सेशन रखेंगे कार्बोक्टाइन के ऊपर, लेकिन पढ़ाने वाइज ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी और इसको डिस्कस करेंगे। तो कार्बोक्टाइन की 9 नंबर क्लास है, और एक डाउट सेशन भी रखेंगे। तो इसमें जो कल हमने स्टार्ट किया था डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट, क्या हमने भाई नेक्स्ट जो रिएक्शन थी हमारी वो क्या थी? डाइईन ऑन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो भाई इस रिएक्शन से अगर मैं अभी की बात करूं, मैंने आज ही पेपर देखा तो मुझे पता लगा कि इस रिएक्शन से बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई जैम 2021 वालों रेडी रहना, मे बी इसको छुए जैम वाला क्वेश्चन, जैम का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। अभी अगर मैं बात करूं तो मैं नेट का पेपर देख रहा था, नेट जून 2019 का क्वेश्चन, वहां पे इससे क्वेश्चन आया हुआ, मैंने दोनों क्वेश्चन लिए। और एक अभी गेट 2020 जो हुआ है, आपको क्वेश्चन देख के पता नहीं डर सा लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट का ही है, ठीक है? तो भाई इसका अगर मैं आपको मैकेनिज्म या बताऊं तो इसमें आपको एक डाइईन मिलेगा, ठीक है? डाइईन, ये रहा आपका डाइईन, साथ में ओन, ओन का मतलब होता ओन हम यूज करते हैं कीटोन के लिए, तो ये डाइईन ओन हो गया। इसके बाद यहाँ पे कोई R1 और आपका R2 ग्रुप रहा होगा, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड के साथ, ठीक है? किसी भी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल ये नहीं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही करवाओगे, कोई भी एसिड का सोर्स, एस पॉजिटिव का सोर्स, उसके साथ इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, ठीक है? जैसे भाई आप यहाँ पे सिंपल एच पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है आपको, यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा मिल सकता है, H3PO भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पे HCl भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पे आपको CF3C(OH) भी लिखा मिल सकता है, यानी कोई भी एसिड होगा उसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। और जो प्रोडक्ट मिलता है, नाम से ही पता लग रहा कि फिनोल है ना, नाम से ही पता लग रहा कि फिनोल। अभी मैं एक बार आपको प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ, उसका दोबारा से मैकेनिज्म बता दूंगा और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा फिनोल, और इन दोनों में से कोई भी एक माइग्रेट करेगा। तो मैंने एक बार के लिए मान लिया कि हमने R2 का माइग्रेशन करवाया है ना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि जो माइग्रेशन ऑर्डर है आपका है ना, जो माइग्रेशन ऑर्डर है आपका, वो आपका R1 का ज्यादा है R2 से, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन था। नहीं हो तो हमने मेथड देख लिए बहुत सारे की कैसे निकालते हैं हम, ठीक है भाई? ओके, सभी बच्चे आ गए हैं क्लास में, और जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले आ जाओ, दोबारा से एक बार इसके मैकेनिज्म के ऊपर बता देता हूँ, मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था। सबसे पहले तो देखिए भाई, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है डाई, ये डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा है, और यहाँ पे मान लेते कि कोई R1 है और यहाँ पे R2 है, ठीक है? इसकी रिएक्शन आपका करवानी एच पॉजिटिव के साथ। जैसे ही एच पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन होगी, आप क्या करोगे, यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना इसको लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे, और लोन पेयर डोनेट करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि अनस्टेबल हो गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हो गया भाई आपका, ये R1, ये R2। इसके बाद आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे, इस बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे और इसको वापिस से यहाँ पे लेके जाओगे, जिससे कि किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी।
गुड आफ्टरनून अनामिका, गुड आफ्टरनून वेलकम, तो ये आपका बनेगा भाई यहाँ पे इस प्रकार से। इतनी बात हमने कल देखी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये R1 है और ये R2 है। तो इस क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि R1 का माइग्रेशन ऑर्डर ज्यादा है। अगर आपको माइग्रेशन ऑर्डर देखना हो तो जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन में देखा था, वैसे ही आपको यहाँ पे माइग्रेशन ऑर्डर भी देखना है। ठीक है, तो आप क्या करवाओगे, इस बार आप R1 को माइग्रेट करवा रहे हो यहाँ से। ठीक है, इस R1 को माइग्रेट यहाँ पे करेगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देके जाएगा। तो देखो भाई, अगर इसको मैं बना के दिखाऊं आगे, तो यहाँ पे R1 आपका माइग्रेट कर गया है। ठीक है, ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, यहाँ पे OH हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस प्रकार से, ये आपका R2 हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट में आपकी जो है फिनोल की फॉर्मेशन होती है, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। ठीक है, ये R2 और ये R1। बताओ भाई मैकेनिज्म सभी को समझ में आया? तो कोई मैकेनिज्म में कोई खास बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। और जैम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि पूछा नहीं गया कुछ ईयर से, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है जैम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अभी दो चार क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो भाई कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं भाई, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से कि अब हमने क्या लिया भाई यहाँ पे, ये डाई, देखो डाई आपको दिखना चाहिए, डाई इन ओन, इन ओन। ठीक है, ये आपका बन गया भाई यहाँ पे C2H5। इसकी रिएक्शन करवानी है एच पॉजिटिव के साथ। तो अब आपको एक लाइन में इसका आंसर लिखना आना चाहिए। देखो कैसे करोगे भाई, सबसे पहले अगर आप ये स्टेप लिखना चाहते तो लिख भी सकते, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बस मेन पॉइंट इस रिएक्शन का ये है, या बहुत सारे रिएक्शन का है ना, जैसे बेयर ग्लेजर ऑक्सीडेशन की बात करना, पिनाकोल में भी देखा माइग्रेशन है, और बहुत सारी ऐसी और भी रिएक्शन है जहां पे माइग्रेशन का बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको माइग्रेट करवाओगे भाई, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, किसको माइग्रेट कराओगे? तो बिल्कुल इथाइल को माइग्रेट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इथाइल का माइग्रेशन ज्यादा होता है, पिनाकोल में पढ़ाया था याद करो। तो किसका माइग्रेशन करवाएंगे भाई यहाँ पे, इथाइल का माइग्रेशन करवा दो। तो यहाँ पे C2H लग जाएगा C2, और ये आपका CH3 लग जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये वाला। तो ये वाला प्रोडक्ट बना भाई। माइग्रेशन ऑर्डर अगर आप दोबारा से लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो माइग्रेशन ऑर्डर। तो माइग्रेशन ऑर्डर आपका जो यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिनाइल, फिनाइल के बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और इस प्रकार से आपको चलनी है कहानी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा होगा उतना ज्यादा आपका यहाँ पे माइग्रेशन भी रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट आप सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट हम और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, और कैसे कैसे एग्जांपल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखना सभी बच्चे ध्यान से कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे अब हमने कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है, ठीक है, ये रहा और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लिया। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एच पॉजिटिव के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन एच पॉजिटिव के साथ करवानी, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो सबसे पहले तो सिंपल सा फंडा आपने ये बना लेना होता भाई यहाँ पे, इसमें तो किसी को कोई इशू ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली बात यहाँ पे आ गई भाई, अब फिर कार्बोकैटायन आ जाएगा आपका। अब सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि कहानी क्या होनी है यहाँ पे। सीधी सी कहानी ये होनी है कि 4 मेंबर की रिंग है, उसके डायरेक्टली अटैच पे पॉजिटिव चार्ज है। 4 मेंबर की रिंग और उसके डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, करवा दो रिंग एक्सपेंशन, पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो। इस नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा कि यहाँ पे आपका 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। सॉरी, इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, एक मिनट ध्यान से देखिए भाई। देखो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, पहले आप इस चीज का ध्यान रखिए कि बॉन्ड कौन सा। तो बॉन्ड आपका ये वाला ब्रेक हुआ, अगर मैं इसको रफ करके दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया ना हमने, तो इसको आप कैसे बनाओगे? अब इसको आप कैसे बना सकते हो? देखो अब इसको ऐसे बनाओगे कि यहाँ पे तो है ही है आपका, ठीक है, साथ में यहाँ पे ये और ये, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है यहाँ पे। अब हमें देख गया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो कि निकल गया होगा बाद में, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बताइए भाई सभी को समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है भाई ये वाला? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर सभी को? उसके बाद देखो भाई और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसी टाइप के। मैंने कल भी एक दो डिस्कस किया हुआ आपके साथ, जरूर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा भाई। और यहाँ पे अब आपको जो लगा के दे दिया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये रहा आपका कुछ इस प्रकार से। इसकी रिएक्शन करवानी है एच पॉजिटिव के साथ। तो कैसे करवाओगे भाई? सबसे पहला तो फंडा आपका वही है कि आप सिंपल सा बना लीजिए ये वाली कहानी,
यहाँ पे फिनोल बनेगा, ये रहा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। ओके वेरी गुड ठीक है, तो आई बात समझ में, ये रहा। अब इसके बाद आपको क्या देखना है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना भाई यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसका आपको, और देखो अब यह कि नाइट्रोजन भी है यहाँ से, नाइट्रोजन भी, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दो भाई। अब सीधी सी बात है, नाइट्रोजन अच्छे से डोनेट करेगा, और देखो ये वाला, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, इस नेगेटिव ने इसको डोनेट कर दिया होगा। इसको देखो इस तरीके से बना के देख लो, तो ये बन जाएगा भाई, बड़ा आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। ये बना कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया भाई, नाइट्रोजन जुड़ गया है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था ही, और ये बाकी सारा ऐसा का ऐसा रहेगा, बाकी सारा ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा भाई इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा भाई इस पर्टिकुलर के क्वेश्चन का। इसके बाद देखो भाई एक और काफी जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे, उससे भी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ पे दो ऑक्सीजन ले लिए कुछ इस प्रकार से, ये वाला प्रोडक्ट है और आपको इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ भाई, ठीक है। एन का ब्रेक क्यों हुआ, देखो एन का ब्रेक क्यों हुआ, इसके रीजन है, बड़े रीजन है। एन का ब्रेक इसलिए हुआ, पहली बात तो कि नाइट्रोजन के बाद देखो ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज भी होता है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो इसका डोनेशन आपका काफी अच्छे से रहेगा, ये इसकी तरफ भी लगा हुआ है, इसको अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसकी साइड की तरफ लगा हुआ है, वहां से डोनेशन मुश्किल हो जाता, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो डोनेशन मुश्किल हो जाता, इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई ये इसको आप समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका इस पॉजिटिव चार्ज के लगा होगा तो उसी टाइप का प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा देखो हर जगह ये बात नहीं है, आप कह सकते हो इस चीज को कि हम तो यहां से ब्रेक करेंगे तो फिर क्या ऑक्सीजन का, नहीं नहीं, नाइट्रोजन का डोनेशन वैसे भी ज्यादा रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट कर पाएगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा है, एक नाइट्रोजन को अपना बैक बॉन्डिंग करनी है, एक ऑक्सीजन को बैक बॉन्डिंग करनी है, कौन करेगा। बैक बॉन्डिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबलाइज है, सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज आपका नाइट्रोजन पे स्टेबलाइज है, इसलिए समझ पा रहे हो ना, ये कोई रीजन नहीं होता कि इसकी तरफ लगा हुआ है ना, इसकी तरफ नहीं, क्योंकि आप तो पॉजिटिव चार्ज यहां से भी लेके आ सकते हो, हर बार ऐसा थोड़ी नहीं है, समझ आया रमेश आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है आपने जो पूछा, बेहतरीन चीज है ये, तो इसकी तरफ लगा हुआ इसलिए हमने यहां से करवाया, ये कोई ट्रू बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई ध्यान से, इसमें बड़ी मतलब कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, और ये क्वेश्चन है भी बड़ा कंफ्यूजन वाला भाई, है ना। बच्चों को जो इसका प्रोडक्ट लगता है, पहले मैं प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो प्रोडक्ट, अभी मैं एक लाइन में इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ फाइनल, और आप सभी को समझ में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे और ऑक्सीजन आ गया हुआ, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, है ना, ये आपका प्रोडक्ट बन गया हुआ, सिक्स मेंबर की रिंग, इस टाइप का प्रोडक्ट आपका बन गया हुआ सिक्स मेंबर की रिंग, ये प्रोडक्ट लगता है ना स्टूडेंट्स को। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनता नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनता नहीं है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका थोड़ा सा हटके बनता है और वो काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता अपने आप में। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे के क्लासेस में जानने को भी मिलेगा। ये जो बेसिकली होता है ना, ये आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है भाई, इसको रिएजेंट में पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। मान लो कि ये कोई सी डबल बॉन्ड ओ है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं सिस डायोल के साथ, तो ये क्या कर लेता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, यहाँ पे कुछ क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा इसने, है ना, सी डबल बॉन्ड ओ को। इसके बाद इसकी रिएक्शन जब एच पॉजिटिव के साथ करवा देते हैं बाद में, तो ये आपका वापिस एच पॉजिटिव और वाटर के साथ करवाते हैं, तो वापिस में ये इसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। जो आपको सिस डायोल नजर आ रहा है, ये आपका किसकी तरह काम करता है, ये देखो सिस डायोल प्लस में एच पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे यहाँ से, तो ये किसकी तरह काम करता है भाई, ये पहले प्रोटेक्ट करेगा कार्बोनिल को। इसका यूज पता कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, इसका यूज आपका जो रिएजेंट में आपको काफी डिटेल में पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका जो यूज होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि एक ये होगा भाई आपका, ठीक है, ये और एक यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है। अब बोला गया है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको बनाना है ना, वो ये बनाना कि इस एस्टर का ही बस वो हो गया, ठीक है, ये एस्टर का रिडक्शन हो गया, वो कार्बोनिल ऐसा का ऐसा रहा हो, तो वहां पे क्या करते हैं हम, ठीक है, बेंजो क्विन है ना सर, बेंजो क्विन, हाँ हाँ हाँ, ये जो प्रोडक्ट बनाई, यस
ये वाला जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम, ठीक है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो ना, इसका हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ना, इलेक्ट्रोड के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाँ वही है ये जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही है। देखो यार इस चीज को मैं समझा रहा हूँ कि आपको चाहिए, देखो वैसे तो सी डबल बॉन्ड मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया तो वो तो दोनों को रिड्यूस करेगा, लेकिन आप चाह रहे हो कि हमारा कार्बोनिल तो ऐसा कैसा रहे, सिर्फ एस्टर का रिडक्शन हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसको हम क्या करते हैं एच पॉजिटिव और सिस डायोल के प्रेजेंस में रख लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा भाई आपका प्रोटेक्ट कर लेगा इसको। ठीक है, अरे वाह भाई, है ना, हमारे यहाँ तो आज फिर बारिश आ रखी है, तेज आंधी आ गई। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, दरवाजे वरवाजे खुल गए अच्छे से, वाह अमेजिंग। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन बाद में जब हम करवा देते हैं इसको, है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के बाद करवा देते हैं, तो ये ऐसा कैसा वापस में मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अलग आया है, थोड़ा सा हटके आया है, तो ये आपको समझना भी है भाई काफी अच्छे से, ये आपको समझ लेना कि क्यों हुआ है ऐसा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलो भाई एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी के ऊपर, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, उसके बाद ये बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई, यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे सल्फर लिया, और ये रहा भाई, अब इसकी रिएक्शन करवानी है एच पॉजिटिव के साथ, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन करवानी है एच पॉजिटिव के साथ, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यार इसमें अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है भाई, थोड़ा सा ध्यान ये देना कि सबसे पहले आपने ये बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, ये रहा इस प्रकार से, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, और ये रहा। किसका माइग्रेशन करवाओगे भाई, सल्फर का ही माइग्रेशन करवाएंगे, क्यों, क्योंकि सल्फर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, सल्फर के पास आपका डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, और इस तरीके से सल्फर का यहाँ पे माइग्रेशन ज्यादा होगा इस केस में। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है, ये रहा ये रहा ये रहा, ये यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पे सल्फर लग गया होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और बाकी आपका सारा सेम, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये भी एक आपका एग्जांपल है। तो पर्टिकुलर इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डाइनोल फिनोल, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि ये आपका अलग है थोड़ा सा। बाकी अभी देखो भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताना सभी बच्चों ने कि इसको आप कैसे डील करोगे। ये पहले बताओ ये किस रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये किस रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने साफ साफ नजर आ गया भाई यहाँ से कि ये डाइईन नजर आ रहा और ओन नजर आ रहा है, डाइईन ओन फिनोल रीअरेंजमेंट होगा। तो इतने इतनी बात तो यहाँ पे ये समझ में आई हमें, है ना, इसमें इतनी बात तो हमें ये समझ में आ गई है, एस का माइग्रेशन होगा, बिल्कुल सही कह रही है नामिका, एस का माइग्रेशन होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको देखो फिनोल बनाना है, तो देखो फिनोल बनेगा कैसे बना होगा, इसको आपने यहां से किया होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और आपने यहां से इसका माइग्रेशन करवा दिया होगा, यहां पे आपने इसका माइग्रेशन करवा दिया होगा। तो इसका माइग्रेशन करोगे तो यहां पे लगेगा C2H5 आके, है ना, ये C2H5 यहां पे लगेगा इस प्रकार से आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपका यहां पे फिनोल बन गया होगा, उसके बाद आपका फिनोल बन गया होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी आएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी आएगा। तो एक बार भाई रुको थोड़ा सा, बहुत तेज आंधी आ गई है भाई, बहुत तेज है ना, तूफान आया हुआ जबरदस्त वाला। चलो भाई अपना तो क्या बिगाड़ेगा, अपना इंटरनेट खराब हो सकता है, बस ये इश्यू हो सकता है, लाइट तो गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, अरे भाई कमेंट तो करते ही नहीं यार तुम, सुस्त सुस्त हो बिल्कुल सुस्त, है ना, मेरी तरह। सभी को क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन, किसी को कोई इश्यू है क्या, ऐसा क्वेश्चन गेट में आया भाई, ऐसा ही क्वेश्चन गेट 2020 में, अभी मैं वो क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं आपको, जब तक आप बताओ कि ये समझ में आ गया या नहीं आया आपको। ठीक है, तो आइए भाई डिस्कस करते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप पूछ ही लेते। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आया भाई गेट 2020 में। ठीक है, हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका गेट 2020 में आया, देखना भाई क्वेश्चन, अब देखो देखने से कितना बड़ा लग रहा है। ठीक है, देखने से
ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। मुझे तो चीजें देखनी है, मैं तो वही चीजें देखूंगा। मैंने क्या देखा कि डाई इन है, ये डाई इन रहा, ये ओन रहा, और यहाँ पे आर वन और आर टू रहा, यहाँ पे आर वन और आर टू रहा, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, इसमें एच पॉजिटिव रहा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये गेट का क्वेश्चन, गेट 2020 सी बार आया। तो देखो देखने से तो बड़ा ये आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या करना, पहली बात तो ये हमें पता लगी कि फिनोल बनाना है, ठीक है, फिनोल बना लीजिए। तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास एक ये एम ई लगा हुआ और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ, तो ये पूरा ग्रुप तो माइग्रेट नहीं कर सकता भाई, ये पूरा ग्रुप तो माइग्रेट नहीं कर सकता, तो कौन माइग्रेट करेगा, मिथाइल माइग्रेट करेगा। इसका मतलब मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा और ये फिनोल बन जाएगा। ऐसा कहाँ कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ऐसा मुझे सिर्फ एक ही केस में नजर आ रहा है भाई। कौन से केस में, देखो बाकी में कुछ चेंज आ गया हुआ। अब और कुछ नहीं होना इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आपको और कुछ नहीं करना। तो देखो एक मिथाइल यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, तो ये तो ऑप्शन ही कट कर देते हैं, ना तो सी होगा और ना ये बी ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं। उसके बाद ए और डी में कैसे बताओगे भाई, अरे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे लग गया भाई, यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड लगने का मतलब ही नहीं है, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए था भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड निखिल, अंकिता, वाओ शाबाश, बहुत बेहतरीन कर रहे हो भाई, बहुत बेहतरीन, ठीक है। देखो अब गेट के क्वेश्चन, और देखना अब नेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था भाई नेट में आपका, ये क्वेश्चन आपका नेट का क्वेश्चन भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फ्लोइंग रिएक्शन, नेट में क्वेश्चन आया भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे सी एच थ्री लगा हुआ है। अब इन्होंने कहा ये देखो सी एच थ्री, ये आपका जो है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, इसका मतलब ये किसका सोर्स है भाई, एच पॉजिटिव का सोर्स है। ये किसका सोर्स है भाई, एच पॉजिटिव का सोर्स है। कौन सी रिएक्शन है भाई, डाइईन ऑन फिनोल रीअरेंजमेंट नजर आ रही है। अब इन्होंने देखो, अब इन्होंने ऑप्शन भी दिए, अब इन्होंने ऑप्शन भी दिए और बोला कि ए और बी क्या बनेगा। बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में माइग्रेशन के बारे में पूछना चाह रहा है कि किसका माइग्रेशन करवाओगे आप, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूं तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये बन जाता है, ए ऑप्शन जो आपका बनेगा कि एक आपके पास सी एच थ्री है, एक आपके पास फिनोल है और ये बाकी आपका सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। आपको किसका माइग्रेशन करवाओगे भाई बताओ, सी एच थ्री और फिनोल में से किसका माइग्रेशन करवाओगे। तो फिनोल का माइग्रेशन, फिनाइल का माइग्रेशन, फिनोल ना बोलो भाई, फिनाइल, फिनाइल का माइग्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो R है आपका वो आपका फिनाइल का माइग्रेशन होगा इस A में, ऐसा ऑप्शन ढूंढो भाई। ए प्रोडक्ट देखो यहाँ पे फिनाइल का माइग्रेशन करवा रखा है, यस पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल नहीं होंगे, तीन और चार हटा दिया हमने, तीन और चार नहीं पॉसिबल होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों को देखना भाई, इन दोनों में अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगा हुआ आपका सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है भाई, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और माइग्रेशन तो उसका होता है जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर हो। तो यहाँ पे एक सी एच थ्री है और एक आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ई टी है, किसका माइग्रेशन करवाओगे। तो बी ऑप्शन में आपका सी एच थ्री का माइग्रेशन होगा, सी एच थ्री का, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ई टी का माइग्रेशन करवा रखा है, यहाँ पे सिर्फ सी एच थ्री का माइग्रेशन करवा रखा है, किसका माइग्रेशन करवाओगे, सी एच थ्री का माइग्रेशन करवाएंगे। ये कट इन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टू आना था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो टू आना था भाई, बताओ समझ में आ गया सभी को। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये, यस वेरी गुड, टू इज द करेक्ट आंसर। तो ये था भाई आपका, ये दो क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और भाई जैम में अभी तक लगभग कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया डायरेक्टली, तो भाई आप इन दो क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और इस रिएक्शन को भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी थी भाई डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, इससे ज्यादा आपसे यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जा सकता, तो मैंने आपको सारी कहानी काफी अच्छे तरीके से समझा दी है। अब देखो भाई कुछ मिसलेनियस केस डिस्कस करते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम कुछ मिसलेनियस केस डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाने हैं मिसलेनियस केस, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस जो हमने डिस्कस करनी है एक बार, तो उन मिसलेनियस केस को डिस्कस करते हैं भाई। देखो एक तो ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक तो आपका यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे कोई OH लगा हुआ है और यहाँ पे कोई OH लगा हुआ है मान लो, ठीक है, इस प्रकार से इसकी रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं किसके साथ भाई, इसकी रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं टीसी किसके साथ, ओटीएस के साथ करवा देते हैं, या फिर टीसीएल किसके साथ करवा देते हैं भाई, टीसीएल के साथ,
ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, बेसिकली आपको इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टीसीएल क्या होता है भाई, टोसाइलेट, आपने सुना होगा भाई, टोसाइलेट ग्रुप होता है ये, बेसिकली आपका कुछ इस टाइप से इसे हम बोलते हैं, ये आपका होता है ना, ये रहा इसकी रिएक्शन देखो, ये होता है भाई आपका टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं इसे, क्या बोला जाता है इसे आपका टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये लाइक दैट है ना, ये आपका जैसे मैंने आपको पिनाकोलोन पढ़ाई थी ना, वैसा ही टाइप का है। तो इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं, बाद में दिक्कत ना आए, ताकि तो ये भाई किसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो ROH के साथ और किसकी TCl की, तो यहाँ पे आपका OTS बन जाता है भाई, क्या बन जाता है ROTS। और जो ये OTS होता है ना, ये OTS ये एक काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है भाई, ये OTS जो होता है ये आपका बहुत बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है भाई, ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OTS। तो इसमें आपको क्यों समझाया जा रहा है ये, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन पता है क्या, आपको लगेगा कि ये तो फिनो डाई, ये तो आपका पिनाकोल टाइप का, जैसे कि देखना भाई क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कि यहाँ पे अल्कोहल लिया, देखो एक खास बात इसकी ये हो गई, यहाँ पे भाई इस OTS की खास बात ये होगी कि ये उस अल्कोहल पे अटैक करेगा जो लेस सब्सटीट्यूटेड हो। देखो इसको समझना भाई, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है, किसके साथ करवा दी भाई, एक मिनट इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा से अच्छे से कि क्या कहानी होती है। देखिए यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी की, यहाँ पे आपको TCl और साथ में पिरिडीन भी लिखा मिलेगा भाई बेस, ठीक है। बेस क्या करेगा इससे क्या निकाल लेगा, RO नेगेटिव, ये बेस क्या करेगा, पिरिडीन बेस है ये, इससे H पॉजिटिव निकालेगा, RO नेगेटिव बनाएगा, उसके बाद OTS ये आपका बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, सबसे पहले देखो दो मैं आपको इसकी रिएक्शन करवाता हूँ भाई, आपने ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अगर मैं कहूँ कि इसकी ये एच पॉजिटिव इवन ओनली एच पॉजिटिव, तो आप इसका क्या प्रोडक्ट बनाओगे, आप कहोगे कि जी हमने कार्बोक्टाइन यहाँ पे बनाया क्योंकि ज्यादा स्टेबल था, अब यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हमने हाइड्रोजन का माइग्रेशन कर दिया और हमने जो प्रोडक्ट बनाया ना, हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है ना भाई, यही बनाओगे ना आप प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये पिनाकोल से बना भाई, पिनाकोल में जो आप क्या करते हैं कार्बोक्टाइन वहां पे बनाते हैं जहां पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी रिएक्शन लाइक दैट जो है टोसाइलेट की। तो इसमें देखो अगर किसी को कुछ ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका OH लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये दोनों ही CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है आपका TCl और पिरिडीन के साथ में, और सेकेंड आपको यहाँ पे कोई बेस गिवन मिलेगा भाई, क्या यहाँ पे कोई बेस यून मिलेगा, OH नेगेटिव मिल सकता है, टर्ट ब्रोटोक्साइड मिल सकता है, ठीक है, और भी आपको कोई भी बेस यहाँ पे यून मिल सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बेस मिलेगा, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देख लो इसका यहीं पे। सबसे पहले तो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवाज सुनाई दे रही है, मे बी ओले गिर रहे हैं, ठीक है, मे बी क्योंकि बाहर निकल के मैंने देखा नहीं है, तो लग रहा आवाज से, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं, खास बात ये है कि जो आपका ये OTS बनेगा, यानी कि जो ये आपका तो ये जो अटैक करेगा ये आपका लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल पे अटैक करेगा, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी, बस ये इस रिएक्शन का गोल्डन पॉइंट, लेस सब्सटीट्यूटेड OH पे अटैक करेगा, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, यहाँ पे भाई ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, यहाँ पे OH है, और अब यहाँ पे आपने बना दिया होगा OTS, ये क्या बनाया आपने OTS बनाया, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका CH3, ठीक है, ये OTS बनाया है। अब देखो अब क्या किया, अब ये जो अब इसकी रिएक्शन, ये पहला स्टेप OTS आपने बनाया, अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हो बेस के साथ, अब बेस क्या करेगा यहां से हाइड्रोजन निकालेगा नेगेटिव, बहुत तेज से बारिश लग रहा है सर जी, बिल्कुल यार बहुत तेज है। इस देखो अब बेस ने क्या किया, यहां से इस प्रोटॉन को निकाला, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, तो इन दोनों में से माइग्रेट करेगा भाई, इन दोनों में से, और ये OTS यहाँ से बाहर निकलेगा, ये OTS आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो आ जाएगा, एक बार थोड़ा सा इंतजार बनाए रखें, सब कुछ समझ में आएगा आपको अच्छे से, तो इसको देखना भाई आपको। देखो अब प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ से, प्रोडक्ट तो आपका लाइक दैट वैसा ही बन गया कि CH3 हो गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था और यहाँ पे आपका CH3 था, एक और CH3 माइग्रेट होके आ गया। अब बताओ भाई समझ में आई कहानी,
बताएं भाई, इसको मैं और भी एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, काफी अच्छे से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो यानी कि यहाँ पे जो ध्यान आपको रखना है ना वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो भाई, अब इसमें देखो कैसे और क्वेश्चन बनेंगे कि आपके पास देखो ये हमने लिया, यहाँ पे आपका OH हो गया, एक OH आपका यहाँ पे हो गया, इसकी रिएक्शन करवानी है TCl और pyridine के साथ, और फिर आपको सेकंड जो कोई बेस गिवन है, सेकंड क्या गिवन है यहाँ पे, कोई बेस गिवन। तो अब क्या करोगे भाई, सबसे पहले ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो ये आपने बनाया है यहाँ पे आपने बनाया होगा OTS, ये आपने OTS बनाया, ये आपका OH है, ठीक है। OTS बनाने के बाद अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई होगी भाई, बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाई है, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया होगा। उसके बाद ये जो OTS है ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अब क्या होगा यहाँ से ये वाला यहाँ पे आएगा, इन दोनों बॉन्ड में से कोई भी एक माइग्रेट करवा दो, इसको यहाँ पे माइग्रेट करवाया, OTS यहाँ से बाहर निकलेगा, OTS यहाँ से बाहर निकलेगा, इसका नाम क्या है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है भाई, इसको बस मतलब आप पिनाकोल और पिनाकोल टाइप में ऐसा कुछ आ जाए तो ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम नहीं है कुछ, ठीक है, अगर होगा तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप इसमें। तो देखिए भाई, ये यहां से निकला होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां से इसके साथ जुड़ा होगा नेगेटिव के साथ, देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, यानी कि यहाँ पे 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे ये बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा भाई। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई भाई, फटाफट से बता दे, फटाफट से बता दे, ये बनाया आपका प्रोडक्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो भाई, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लो कि अब हमने क्या लिया यहाँ पे भाई, 5 मेंबर की रिंग ले ली, अब यहाँ पे एक OH लगा रखा है, एक OH हमने यहाँ पे लगा रखा है, इस यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन है दोनों, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ, OTS के साथ भाई, है ना, OTS ना लिखो डायरेक्ट आप, है ना, आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि TSCl और साथ में किसके साथ, pyridine के साथ, सेकंड आपका यहाँ पे भाई टर्ट प्रोडोक्साइड या कोई भी बेस गिवन हो सकता है, ठीक है, इसके साथ आपने इसकी रिएक्शन करवानी है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि OTS वहां पे बनाइए जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल हो, है ना, पिनाकोल में अलग होता था, तो अब हमने यहाँ पे क्या बनाया भाई, हमने बनाया यहाँ पे OH हो गया आपका, यहाँ पे आपने OTS बनाया, इसके बाद बड़ी सिंपल सा फिनोमिना होगा, इसकी रिएक्शन आप बेस के साथ करवाओगे, बेस क्या करेगा यहाँ से इसको हटाएगा नेगेटिव, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला लीव कर जाएगा, लीव करने के बाद आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। बताओ भाई, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो ये एक और मैंने आपको भाई एक अच्छी सी चीज सिखा दी है यहाँ पे और आपको समझ में भी आ गई होगी, टोसाइलेट ये आपको काफी जगह देखने को मिलेगा और भी काफी जगह, ठीक है, तो इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी को कोई इश्यू है, कोई बात समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकता है भाई, ठीक है, फटाफट से बताएं भाई, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। तो एक कंसेप्ट आपको ये बताना था जो कि थोड़ा सा मिसिंग था, तो ये मैंने आपको समझा दिया, डाइनोल फिनोल। इसके बाद देखो भाई एक और हम जो डिस्कस कर लेते हैं पहले, एक और यहाँ पे है, देखो अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड, ठीक है, वैसे वो है अलग रिएक्शन, इसकी रिएक्शन देखो अल्फा मैं बना लेता हूँ एक बार, ये रहा आपका अल्फा, है ना, और यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड है। इसकी रिएक्शन जब हमने किसी लेविस एसिड के साथ या फिर हमने इसकी रिएक्शन किसी एच पॉजिटिव के साथ करवाई थी तो आपका प्रोडक्ट क्या बना था भाई, है ना, सेमी पिनाकोल टाइप बोला था, प्रोडक्ट आपका ये बना था कि सबसे पहले आपने इसका अटैक करवाया था यहाँ पे और अटैक करवाने के बाद आपने क्या किया था यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बनाया था, है ना, उसके बाद आपने क्या किया था भाई, उसने ये किया था कि ये आपने यहाँ पे और इन दोनों हाइड्रोजन में से आपने यहाँ पे माइग्रेशन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दिया था, ब्रेक करवाने के बाद आपका ये बना था कुछ आपका कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बन गया था, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला और यहाँ पे सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ नहीं बनेगा भाई, ये आपका अल्कोहल बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, इसका क्या बन गया था भाई, अल्कोहल, ये आपका मैंने करवाया है लास्ट क्लास में ही, आपको याद होना चाहिए कि ये आपका अल्कोहल बना, इस कार्बन पे अल्कोहल लगा, इससे नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे CO लगा आपका, तो ये आपका प्रोडक्ट बना था। तो इसको हमने बोला था कि ये आपका सेमी पिनाकोल टाइप की रिएक्शन है, इसका पर्टिकुलर नेम भी होता है, लेकिन देखो भाई अगर इसी की रिएक्शन बेस के साथ करवा दें इसी की ना, तो ये एक रिएक्शन होती है भाई, इसे पाइन रीअरेंजमेंट बोला जाता है,
ठीक है, इस रिएक्शन का जो नाम है वो पाइन रीअरेंजमेंट होता है। तो वो आप एक बार देख लो यहीं पे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो यहीं पे बता देते हैं। तो ये आपका पाइन रीअरेंजमेंट बोलते हैं भाई इसे, क्या बोलते हैं इसे, पाइन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ये सेम लाइक दैट वैसी है, लेकिन मैकेनिज्म अलग जाएगा भाई, मैकेनिज्म अलग जाएगा, कुछ अलग ही बनेगा। देखो क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन हमने करवाई अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड की रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे एसिड की बजाय किसी बेस के साथ करवा देते हैं, किसके साथ करवा देते हैं भाई, किसी बेस के साथ करवा देते हैं, OH नेगेटिव के साथ करवा देते हैं, किसी भी बेस के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वहां पे क्या प्रोडक्ट। तो बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां से सबसे पहले ये बनेगा, सबसे पहले बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहां से निकाल देगा। देखो भाई इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा, और ये वाला यहां से इस तरीके से बॉन्ड रिंग की ओपनिंग हो जाएगी, यहां से क्या होगी, रिंग की ओपनिंग हो जाएगी। रिंग की ओपनिंग होने के बाद देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, अब इनके बीच में आपका रिंग बन गई है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना होगा, ये आपका अल्कोहल, ये आपका रहा, इसके बाद देखो ये आपका रहा, और यहाँ पे आपका OHO नेगेटिव आ गया होगा, O नेगेटिव। इतनी बात सभी को समझ में आती है भाई। अब हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं भाई, है ना, कोई क्या ले सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, कुछ और बेस ले सकते हैं, जो भी है आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब आपने यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा इस केस में, कि इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक आप कहाँ पे करवाओगे भाई, इस बॉन्ड पे करवाओगे, और ये वाला भी आपका रिंग ओपनिंग हो जाएगी। इसके बाद देखना भाई, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये ऐसा, अब ये वाला भी ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया हुआ, और यहाँ पे जो है किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया था भाई, इसके ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया था, तो ये बना भाई। इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करवा देंगे भाई, इसकी रिएक्शन करवा देंगे एच पॉजिटिव के साथ, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, एच पॉजिटिव के साथ। तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ से यहाँ पे भी OH लग जाएगा, एंड यहाँ पे भी OH लग जाएगा, और यहाँ पे आपका कोई न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो इस रिएक्शन को बेसिकली बोला जाता है पाइन रीअरेंजमेंट, पाइन, ठीक है। सॉरी, इसको आप थोड़ा सा ऐसे दिखाइए भाई, इसको थोड़ा सा आप ऐसे दिखाइए कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल लगेगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन तो है ही ना, ये तो इस कार्बन पे आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। बताओ भाई समझ में आई ये रिएक्शन, तो इसको बोला जाता है आपका पाइन रीअरेंजमेंट, ये हमारी पाइन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बेस लिया जाएगा, बेस ले तो बिल्कुल डिफरेंट, बेस ले तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ अलग ही प्रोडक्ट बन रहा है, अगर एसिड ले तो कोई अलग ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है भाई। एक मुझे ये बताना था आपको, अब बस एक लास्ट कंसेप्ट और आ गया, पता नहीं मैंने शायद वो मैंने करवाया नहीं आपको। देखिए भाई, अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइईन हो, क्या हो आपके पास, कॉन्जुगेटेड डाइईन हो, और उनकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं HBr, यानी कि आप HX एसिड से आप रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे और आप कैसे बताएंगे, तो ये एक कंसेप्ट रहता भाई। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मेरे हिसाब से कार्बोक्टाइन लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं बचेगा, आप कहीं से भी किसी भी बुक से क्वेश्चन करना, लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और देखो भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस टॉपिक को अब तैयार हो गया ना, इसको मैं ना पता नहीं कहाँ कहाँ पे यूज करवाऊंगा, जब हमारा पूरा हो जाएगा तो मैं एक ही क्वेश्चन को लगभग 30 रिएक्शन लिख सकता हूँ, एक ही क्वेश्चन में 30 रिएक्शन बना के लिख दूंगा, है ना। पूरा पैराग्राफ होगा, उसको सोल्व करोगे तो सारी नेम रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा पूरा सिलेबस खत्म होने का, है ना भाई। सिलेबस कैसे खत्म हो, क्योंकि जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो मैं आपको क्या करूंगा भाई, कार्बोकोटाइन से मैं फ्री रेडिकल पे पहुंचा दूंगा, फ्री रेडिकल से मैं आपको बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ऐसा एक ही क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, ठीक है भाई। चलिए अब ये वाला सिस्टम समझिए कि आपके पास कुछ ऐसा ही कहानी आ गया भाई, ये आपका, ये आपको कॉन्जुगेटेड डाई इन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इसकी रिएक्शन आपने करवानी है HBr के साथ, इसकी रिएक्शन आपने HBr के साथ करवानी है, तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे भाई, क्या कहानी रहेगी, इसको देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर आप HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी भाई, एक पॉसिबिलिटी कि आप इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करें और यहाँ पे कार्बोकोटाइन बनाए। तो देखो भाई एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, तो ये हमने किया, यहाँ पे आपका कार्बोकोटाइन बना भाई, ठीक है, एक कार्बोकोटाइन आपका ये बना। दूसरा आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, दूसरा आप ये बना सकते हैं कि इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे ब्रेक किया, और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपने कार्बोकोटाइन यहाँ पे बनाया भाई, कार्बोकोटाइन आपने यहाँ पे बनाया। अब देखो दो कार्बोकोटाइन बन रहे, कौन सा कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है, पहले तो ये बात देखो कि कौन सा कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है।
अगर इसको देखें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है और साथ में इसके पास आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस में टू अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसकी बात करूं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है और साथ में तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला आपका आपका ज्यादा स्टेबल है। तो अब आप क्या करोगे भाई, बी आर नेगेटिव का अटैक आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं, बी आर नेगेटिव का अटैक हमने यहाँ पे करवाया, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, प्रोडक्ट ये बनेगा कि बी आर आपने ये बना दिया, दूसरा एक बार आप यहाँ पे भी करवा के देख लीजिए, यहाँ पे भी करवा के देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही आपने करवाया तो ये वाला आपका अटैक यहाँ पे हो गया, तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट बना तो अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, बताओ कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। कार्बोकोटाइन हमने देख लिया था कि कार्बोकोटाइन आपका ये वाला स्टेबलाइज था, कार्बोकोटाइन आपका ये वाला स्टेबलाइज था, ठीक है। अब प्रोडक्ट आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, तो देखो इस चीज को आप देखिए, अगर मैं इस अल्कीन की बात करूं तो इसके पास आपको सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है, सिर्फ वन अल्फा, तो एक अल्फा हाइड्रोजन से कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है इसकी। अगर इस अल्कीन की बात करूं तो तीन ये रहे और एक ये रहा आपका, तीन ये रहे और एक ये रहा, चार अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्कीन कौन सी स्टेबल बन रही है भाई यहाँ पे, तो यही अल्कीन भी आपकी ज्यादा स्टेबल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कीन भी आपकी ज्यादा स्टेबल यही बन रही है, तो ऐसे केस में तो देखो भाई, अब देखो यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, यहाँ पे तो लगभग ये वही चीज आ गई जो हम भाई बनाई है हमने, है ना, वही इशू आ गया ये तो, ठीक है ना, कोई नहीं, और डिफरेंट एग्जांपल आएंगे उनको देखेंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इस टाइप के केस में आपको दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं भाई, इस टाइप में आपको दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक को टीसीपी बोलते हैं, एक को केसीपी बोलते हैं भाई, एक को टीसीपी एक को केसीपी, उनका मतलब क्या होता है उनको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, यानी कि अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, है ना, प्रोडक्ट आपको बनने के बाद, ऐसा मैंने टोटोमेरिज्म में भी आपको पढ़ाया होगा, जब प्रोडक्ट बन गया है तो स्टेबल है, तो वो थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। अगर आपसे यहाँ पर रेट की बात पूछे कि रेट किसका ज्यादा होगा, तो रेट भी इसी का ज्यादा आ रहा, तो ये आपका टीसीपी बोला जाता है इस टाइप को, कि थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल, ये आपका सॉरी इसे केसीपी बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकोटाइन आपका क्या है, रेट, रेट तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन तो वो हो गया थोड़ा सा मिक्सअप, मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। जैसे आप ये वाला एग्जांपल लीजिए, अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, मान लो आपने HBr के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी भाई, एक कार्बोकोटाइन यहाँ पे बना सकते हैं, और दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, कि आप जो सेम मत बनाइए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाइए यहाँ पे, तो दो चीजें पॉसिबल होंगी, तो दोनों को बना लेते हैं पहले एक बार यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी आपने क्या बनाई है, कि आपने यही पे कार्बोकोटाइन बना दिया है, कहाँ पे बनाया भाई, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आप बना रहे हैं मान लो यहाँ पे, कि इस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, मोर स्टेबल कार्बन आयन से मोर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, मोर स्टेबल कार्बन आयन, देखो वो वाला क्वेश्चन रुको, उसको एक बार देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार देखिए, या इसमें है ना आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, देखो ये मान लो कि आपने कार्बोकोटाइन बनाया है यहाँ पे, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है भाई, आपने इस बॉन्ड को यहाँ पे लिया, ठीक है, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे, कि आपका ये वाला पॉजिटिव चार्ज बन गया है, ठीक है। अब मान लो भाई अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो देखो इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तीन अल्फा हाइड्रोजन प्लस में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो स्टेबल प्रोडक्ट मतलब मेजर जो अगर बात की जाए तो ये वाला कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब आपने बी आर का अटैक करवाया भाई यहाँ पे, बी आर नेगेटिव का, बी आर नेगेटिव का अटैक करवाओ तो यहाँ पे बी आर लगा दिया, इस केस में आपने बी आर का अटैक करवाया तो आपने जो बी आर बनाया वो यहाँ पे बनाया। अब मुझे ये बताओ कि अल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल है, अल्कीन देखो यहाँ पे कार्बोकोटाइन ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज था और ये आपका, तो देखो अल्कीन अब ये वाली ज्यादा स्टेबल, क्यों, इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और यहाँ पे इसके पास चार अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो रेट इसका ज्यादा था तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे हम बोलते हैं केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल था लेकिन इसका, और ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये बना आपका टीसीपी, क्या बना भाई टीसीपी, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के बाद इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट बनने के बाद इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई भाई आपको, बात समझ में आ गई, तो एक बात आप ध्यान रखना, टेम्परेचर का ध्यान रखना भाई इस ऐसे रिएक्शन में,
ऐसी रिएक्शन में आपको किसका ध्यान रखना है भाई, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर आपका टेम्परेचर हाई रहा, क्या रहा भाई आपका टेम्परेचर, अगर आपका हाई होगा ठीक है तो फिर आपको प्रोडक्ट अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर आपका टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर कम होगा ठीक है, तो अगर टेम्परेचर लो हो कम हो ठीक है, टेम्परेचर मतलब लो हो, तो वहां पे आपको बनाना है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, है ना, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अगर आपका टेम्परेचर हाई हो तो वहां पे आपको बनाना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये वाली बात आप ध्यान में रख सकते हैं, इसके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ भाई, उससे शायद आपको थोड़ी सी और अप्रोच मिले ठीक है। देखिए भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, रिंग वाला। तो ये देखिए हमने ये लिया कुछ इस प्रकार से, ये रहा ये रहा, इसकी रिएक्शन करवा दी HBr के साथ। बताओ भाई यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे भाई, सबसे पहले आपने दो चीजें बन सकती है यहाँ पे भाई, कार्बोकैटायन तो आप ये वाला बनाओगे, तो आपने कार्बोकैटायन बनाया ये वाला यहाँ पे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। आप दूसरी इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो आप कैसे बनाओगे भाई, ये कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज है, यहाँ पे भी Br नेगेटिव का अटैक करवाया, यहाँ पे भी Br नेगेटिव का अटैक करवाया। अब देखो अगर मैं Br नेगेटिव का अटैक यहाँ पे ये वाला किया, तो ये वाला अल्कीन एक ये वाला बना और एक आपका ये वाला बना कुछ इस प्रकार से ठीक है। तो ये बताओ कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबलाइज है, तो ये वाला जो बनेगा DCP बन जाएगा और ये वाला जो बन जाएगा वो KCP प्रोडक्ट बन जाएगा। टेम्परेचर अगर यहाँ पे मान लो कि -20 डिग्री सेल्सियस गिवन होता तो आपका KCP वाला मेजर प्रोडक्ट होता। अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या और भी ज्यादा होता, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर हाई होता, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता। बताओ भाई बात समझ में आ गई आपको, फटाफट से बताएं भाई, फटाफट से बताएं आप कि कैसे हमने किया इसको। तो देखो भाई इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, इसमें हमने दो अलग अलग बना लिए थे, लाइक दैट तो सेम ही थी कहानी, तो है ना, तो ये थोड़ा सा अलग था भाई। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को हटा देते हैं यहाँ से, इसमें नहीं आप बाद में कंफ्यूज हो गए। तो लास्ट में मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो देख लीजिए ठीक है, यानी कि आपको पहले आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, उसके बाद आपको देखना कि उसकी रीअरेंजमेंट करवानी है या नहीं करवानी ठीक है। तो रीअरेंजमेंट करवा के देखिए, तो आपसे फिर टेम्परेचर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसा टेम्परेचर आपसे पूछा गया, उस पॉइंट के आधार पे आपको वहां पे उसका मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताना पड़ेगा ठीक है भाई। टेम्परेचर हाई हो तो TCP, टेम्परेचर कम हो तो KCP ठीक है भाई। तो अब आओ बस, ये हमारा कार्बोकैटायन कंप्लीट होगा भाई, लगभग सब कंप्लीट होगा कार्बोकैटायन में। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना आप सभी बच्चों ने, क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिवीजन हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, सर जी लास्ट वाला स्टेप फिर से बताना, आपके बताता क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई लास्ट वाला स्टेप पूछा जा रहा दोबारा से, देखो सबसे पहले हमने ये किया यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले ये किया TCP वाला, अरे TCP वाला ये बस Br का अटैक यहाँ पे करवा दिया, इस पॉजिटिव पे Br का अटैक करवा दिया, ये बन गया। इससे ये कैसे बना भाई, इससे ये ऐसे बना होगा कि आपने इसका अटैक यहाँ पे करवाया हुआ, यहाँ पे अल्कीन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, यानी किसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ठीक है। तो ये है, अब देखो टेम्परेचर अगर हाई है तो ये देखो, अगर इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछा जा सकता है भाई, एक 100 डिग्री सेल्सियस और एक आपका -20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे TCP वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पे अगर आपका माइनस में टेम्परेचर है यानी टेम्परेचर लो है तो वहां पे KCP वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाली बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। तो भाई अभी कार्बोकैटायन कंप्लीट, अपना सब कुछ कंप्लीट है कार्बोकैटायन में ठीक है, बाकी की जो चीजें वो डिस्कस करेंगे, फ्री रेडिकल स्टार्ट करेंगे अब ठीक है, वो शायद एक या दो दिन के बाद स्टार्ट करें। तो कल एक मोटिवेशनल सेशन रखेंगे आप सभी के लिए पहले, तो ठीक है उसके बाद मैं आपको पूरा शेड्यूल भी देता हूँ कि कैसे चलेगी कहानी। देखो अब ये क्वेश्चन करके बताओ भाई, ये सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर ले लो भाई, फटाफट से बताओ कि फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या भाई फटाफट से बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कार्बोकैटायन कंप्लीट भाई, अब कुछ बचा नहीं है कार्बोकैटायन में, सब कुछ पढ़ा दिया आपको ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया सब कुछ, हाई लेवल का पढ़ा दिया बिल्कुल। फटाफट से बताएं भाई, फटाफट से जल्दी जल्दी, सभी ने ठीक करने हैं सभी ने, किसी ने गलत किया तो देख लेना।
अभी तक आंसर नहीं आया भाई किसी का भी, किसी का आंसर नहीं आया भाई, फटाफट से यार जल्दी करो। सी होगा, वाओ अनामिका ने कहा सी होगा, चलो सी कहा तो अनामिका ने, बाकी तो कुछ कह ही नहीं रहे। पेन कॉपी लेके बैठते हो ना साथ में, देखिए भाई ये आपका पिनाकोल पिनाकोलोन ही है, सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पे कैसे हुआ होगा देखिए भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपने अटैक कहीं पे भी करवा दे, आपने मान लो इसको हटाया यहाँ से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया। अब एक आपका ये वाला ग्रुप है भाई आर, और एक आपका ये वाला ग्रुप है। अब 5 मेंबर से 6 मेंबर में जाओ, 5 मेंबर से 4 में जाओ, और एक 6 से 5 में जाओ, किस में जाना पसंद करोगे भाई, किस में जाना पसंद करोगे? तो 6 से 5 में जाएंगे, क्योंकि 6 से 5 में तो स्टेबल ही बनेगी ना 5 मेंबर रिंग, तो 5 से 4 तो अनस्टेबल बनेगी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है वो। तो इसका मतलब आपने क्या करा, इसको यहां से देखो अब क्या करवाना है, इस बॉन्ड को यहाँ पे माइग्रेट करवाया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा, तो ये वाली रिंग 5 मेंबर की हो जाएगी, ये वाली रिंग 5 मेंबर की हो गई है, और इससे नेक्स्ट वाली जो रिंग है यहाँ पे ये आपका कितने मेंबर की हो गई होगी, ये आपका यहाँ पे सी डबल बॉन्ड लग गया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आपका, बी बी इज द करेक्ट आंसर, बी गलत है भाई। चलो अनामिका ने आंसर तो दिया, बाकी ने तो आंसर ही नहीं दिया, क्यों नहीं दे रहे भाई आंसर, समझ में नहीं आया क्या, आता नहीं है तुम्हें, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है, तुम्हारे आंसर नहीं दे रहे हो ये गलत है ना, ये बनेगा भाई इसका बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई ये वाला तो बताओगे, ये तो इजी है, ये तो इजी है भाई, ये इजी है, ये तो बता दो। देखो भाई एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई गई है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड गिवन है, बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है, बड़ा सिंपल सा कंपाउंड। तो भाई सबसे पहले यहाँ से एक्वस AgNO3 है, तो क्या किया हुआ आपने बता ही देता हूँ मैं, है ना, आपने तो आंसर देना नहीं है सर फिर से। अरे भाई फिर से ये है, देखो सिंपल सा फंडा है इसमें, इसमें देखो पिनाकोल पिनाकोल दिख रही है, साफ साफ नजर आ रही है। अब कार्बोकोटाइन कहीं पे बना ले, ठीक है ओके ओके बताता हूँ बताता हूँ, चलो दिक्कत है, कार्बोकोटाइन कहीं पे बना ले, ये OH हटा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, ठीक है। अब क्या करते थे ये, अब ये भी एक R1 ये रहा, एक R2 ये रहा, किसका माइग्रेशन करवाओगे, किसका माइग्रेशन करवाओगे? देखो अगर आप इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड का माइग्रेशन करवाओगे तो यहाँ से 4 मेंबर रिंग की बनेगी, 4 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप ये वाला काम भी कर सकते हो कि आपने यहाँ से इसका अटैक यहाँ पे करवा दिया, तो इस केस में 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। एक क्या हुआ इसमें, एक तो ये फिनोमिना हो रहा कि 6 से 5 जाए, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक ये हो रहा है कि आपका 5 से 4 जाए, ठीक है 5 से 4 जाए। तो अब आपको देखना कि आप क्या करोगे, देखो 5 से 4 जाने का मतलब, देखो अगर मैं बात करूं इसमें एंगल बहुत, मतलब एंगल का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता 6 और 5 मेंबर में, ठीक है 6 और 5 मेंबर में एंगल का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है एंगल स्ट्रेंथ कम ही होती है इन दोनों में, लेकिन इन दोनों का कंपेरिजन करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम 5 से 4 बनाना पसंद नहीं करेंगे, 5 से 4 बनाना पसंद नहीं करेंगे, हम 6 से 5 बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि 6 से जब 5 बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा कार्बन लगे हुए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा है तो इसका अटैक करवाएंगे, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई इसमें कार्बन ज्यादा है ना तो इसका अटैक करवाएंगे, जिसके ऊपर जितने कार्बन होते हैं उसी का तो हम माइग्रेशन करवाते हैं, उसी का तो माइग्रेशन करवाते हैं, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, प्लस आई से देख लो भाई, जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई लग रहा होगा, ठीक है आ गई बात समझ में, या नहीं आई समझ में आई बात या नहीं आई, फटाफट से बताएं, आ जानी चाहिए भाई आ जानी चाहिए। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। देखो भाई सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करोगे, CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे, उसके बाद क्या करोगे रिंग एक्सपेंशन करोगे, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो आप सभी को पता कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आएगा भाई बी को आएगा इसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन रिवीजन हो रही है आपके बस कुछ नहीं है रिवीजन, ठीक है। तो ये रहा भाई क्वेश्चन, देखो
इन्होंने कहा कि ये ए प्रोडक्ट बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया, बताइए किस किस से बनेगा। बी, अंकिता ने भी बोला था, ए अंकित ने गलत बोला, बी कैसे, और क्या बनेगा भाई, और क्या बनेगा बताओ, और क्या बनेगा। अरे यार एजीएन में थ्री है, इसने क्या किया हुआ, इसको बाहर निकाल लिया हुआ यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद फाइव मेंबर रिंग का सिक्स मेंबर में एक्सपेंशन कैसे किया हुआ, एक्सपेंशन यहाँ पॉजिटिव के पड़ोस में पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, या फिर यहाँ से देख लो थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, ये सिक्स मेंबर की रिंग, अब ये पॉजिटिव बना, ये से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो बी ही बनेगा ना, और क्या बनेगा रमेश, बी ही बनेगा भाई, आई बात समझ में। आया क्या समझ में भाई, नहीं आया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला तो मैंने करवा ही दिया, अच्छा पीछे चल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको ए बी सी गिवन है, ये प्रोडक्ट बना के दे दिए, बोला कि बताओ ये कैसे कैसे बने हुए। देखो यार ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे हमने देखा कि इसका आपने, ओके सर, इसका आपने यहाँ पे इसे मूव किया हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इस पे बी एच टू ने अटैक किया हुआ और बी एच टू का ओ एच बनाया है, यानी कि ए वाला जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बना हुआ, ए वाला जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बना हुआ, ए वाला प्रोडक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बना हुआ, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, आंसर बी ही बच गया भाई इस क्वेश्चन का भी, सारा भाई भी आ रहा। उसके बाद देखो भाई ये स्टेप क्या हुआ भाई, यहाँ पे अटैक किया ओएच ने, यहाँ पे, अब यहाँ पे ओएच कब अटैक करता है, एंटी मार्क, ये मार्कोनिक ऑफ रूल, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक, ये मार्कोनिक ऑफ, इसका मतलब ये मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रही होगी भाई, मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रही होगी ये वाला, ठीक है भाई बी। उसके बाद देखो सी कैसे बना हुआ, तो सी में आपने ये किया हुआ कि ये सी में आपने इसका क्या करवाया है, देखो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए, ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज आपने बनाया हुआ, इसके बाद आपने देखा कि ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, इसके बाद आपने यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद आपने यहाँ पे बनाया होगा ये वाला, और यहाँ पे लगा दिया होगा OH, ठीक है ना, एसिड, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का मतलब यही है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का यही मतलब है। ठीक है, समझ में आई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएं, यहाँ पे पूछा कि करेक्ट रीजन, करेक्ट रिएक्शन, ये MS2 टाइप का क्वेश्चन है भाई, पहले बात ये है कि ये MS2 टाइप का क्वेश्चन है, बता दो भाई फटाफट से, MS2 टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो, ये आप पे छोड़ दिया मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद में भी आज की क्लास का, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, और कार्बोकोटाइन फिनिश, आपके जो भी डाउट हो कार्बोकोटाइन के भेज दीजिएगा, जो भी डाउट हो कार्बोकोटाइन के भेजिएगा, तो डिस्कस करेंगे उनको काफी अच्छे से। बताओ भाई फटाफट से इसका आंसर, सभी बच्चों ने बताना है और बिल्कुल सही बताना है, ठीक है, ऑलरेडी सारी चीजें काफी अच्छे से डिस्कस की है मैंने, और आपको आता भी होगा, MS2 टाइप का है, तो भाई कार्बोकोटाइन मेरी तरफ से कंप्लीट होता है, जो भी आपके डाउट हो कार्बोकोटाइन के भेज दीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा, या मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बोकोटाइन पे जैसे जैसे भी आए हैं, तो वो आपको मिल जाएगी जल्दी। तो कार्बोकोटाइन फिनिश, एंड आज शाम को एरोमेटिक जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आज शाम को एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर हम, मैं आपको पूरा स्केड्यूल देता हूं कि हम क्या क्या टीच करेंगे, कैसे कैसे बढ़ेंगे आगे, तो पूरा आपको मिलेगा। फिर इसका आंसर चाहिए बी डी, गलत, अरे यार जगराता बी डी कैसे बोला, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, ये भी होगा क्या, नहीं भाई गलत, ये देखो MS2 में बच्चा यहीं पे तो फंसता है,
और बड़ा आसान सा कंसेप्ट है यार, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हो आप। बी 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 सी डी गलत है भाई, बी सी डी भी गलत है यार, सभी ने गलत दिया, कोई भी सही देने वाला नहीं है, गलत है भाई सभी का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, मैं बताने ही वाला हूं, कोई कमेंट करता तो कर दो फटाफट से, ए बी डी, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ए कैसे बना है, पहले ये देखो ए कैसे बना है। अरे ये देखो यार, बी एच यहाँ पे आया हुआ, एच देखो यहाँ पे बी एच टू ने अटैक किया हुआ, ओ एच बनाया, और ये, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। इसका मतलब देखो, ये ओ एच अगर बिलो द प्लेन है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी तो बिलो द प्लेन रहा है, और बिल्कुल सही है, ए तो बिल्कुल पॉसिबल है। बी ए डी, बी ए डी भी गलत है, ठीक है, ए सॉरी हाँ बी ए डी ठीक है भाई, बी ए डी ठीक है, नामी वेरी गुड, ठीक है। तो ये ए बिल्कुल करेक्ट है, ए में क्या खराबी नजर आई, कोई भी खराबी नहीं है ए में, तो सिन एडिशन होता है, और ओ एच और जो हाइड्रोजन वो सिन एडिशन हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। आ जाओ बी पे, आ जाओ बी पे, बी पे आपने क्या किया भाई, यहाँ पे बी आर टू, देखो सबसे पहले आपने इसका बी आर टू का एडिशन ये करवाया हुआ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और फिर बी आर नेगेटिव ने अटैक किया हुआ, और मैंने आपको बताया था कि ये एंटी एडिशन होता है, क्या होता है यहाँ पे, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। अगर यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ है तो आपका ये बी आर और ये बी आर एंटी पोजिशन पे होने चाहिए, बिल्कुल एंटी पोजिशन पे है, तो बी भी ठीक है भाई, बी भी बिल्कुल करेक्ट है, बी में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। सी की बात करते, सी है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना था भाई, यहाँ पे आपको क्या कहा, तो पहले बात तो जो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होती है वो आपका एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन, ठीक है भाई। उसके बाद आपका ओ एच यहाँ पे आना चाहिए था भाई, ओ एच यहाँ पे, तो ये आपका इनकरेक्ट है। बी आर टू और वाटर भाई, ब्रोमीन वाटर क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने वही किया हुआ कि यहाँ पे आपका बी आर टू बना लिया हुआ, इसके बाद आपने अटैक करवाना था ओ एच का, वाटर का अटैक करवाना था ना, क्योंकि ब्रोमीन वाटर है ना इस पर, तो यहाँ पे ओ एच नेगेटिव ने अटैक किया हुआ, तो ओ एच नेगेटिव वहां पे करेगा जहां पे डेल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबलाइज है, तो ये रहा डेल, और ये भी एंटी एलिमिनेशन होता है, ये भी एंटी एलिमिनेशन, ये भी एंटी एलिमिनेशन, ये भी एंटी, और ये देखो OH, OH और ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो डी भी करेक्ट है भाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए बी डी आना था, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई आपको बात, पॉइंट क्लियर है भाई सभी को, कोई इश्यू हो तो बताएं, कोई चीज समझ में ना आई हो तो बताएं, ठीक है भाई। तो कार्बोक टाइम फिनिश होता है, एक वीडियो वो मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे भी करता हूं मैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बोक टाइम के, आपको कोई भी बुक देखे कहीं से भी आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मे भी आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे, सारे कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा प्रैक्टिस भाई इसको काफी अच्छे से, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए भाई, कार्बोक टाइम फिनिश, एक डाउट सेशन ले लेंगे आपका, डाउट भेज सकते हैं आप, है ना। तो नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे बोले तो डेट मैं आपको बता देता हूं अभी से, फिक्स रखते हैं भाई, और आप भी उसी तरीके से काम भी करना, है ना। तो नेक्स्ट कब आएगा भाई, देख लो भाई, आज है 14 मई, 14 मई है, तो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट सैटरडे, इससे जो नेक्स्ट आएगा यानी कि 15-16, ठीक है, 16 को आएगा ना नेक्स्ट, अभी मतलब नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, 16 वाले से नेक्स्ट, 16 और 23 मई को आएगा मे बी। अगर नेक्स्ट 23 मई को आपका कार्बोक टाइम का डाउट सेशन होगा, जब तक आप अपने कार्बोक टाइम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने असाइनमेंट भी भेजी है, आपके पास बुक भी अवेलेबल है, और आपके पास और भी बहुत सारा मटेरियल होगा, तो कार्बोक टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए सारे, ठीक है। नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इन इसके डाउट्स, ठीक है, कार्बो बनाएंगे, तो भाई अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो फ्री रेडिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन आयन जो है बेसिकली वो हम इनोलेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो फ्री रेडिकल होगा, ठीक है भाई। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड आफ्टरनून अगेन आप सभी को, चलिए भाई।